गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. बहुमतानं भाजपच पुन्हा सत्तेवर येईल असं रूपाणींनी म्हटलंय, तर काँग्रेसने गुजरातमध्ये विजयाचा दावा केला. काँग्रेस बहुमतानं सत्तेत येईल असं भाकीत काँग्रेसचे नेते अल्पेश ठाकोर यांनी केलंय. टोटल चुनाव खत्म हो गया है, फ्री हो गए हैं, नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं, सभी एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कार्यकर्ताओं में भी नीचे से जो फीडबैक आ रहा है, अच्छी सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के चुनकर आएंगे, ऐसा सब तरफ से समाचार मिल रहा है. कोई मानता नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस में कोई इतना ऐसा कौन बनेगा नेता, कोई चर्चा भी नहीं चल रही है. तो ये बात तो सरासर गलत है. सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और अच्छी तरह से मेजोरिटी के साथ बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ही लोग उनको ही, उनके लिए ही गुजरात के लोग आतुर हैं. जिस तरह से गुजरात के अंदर माहौल है, हर तबके की अलग अलग समस्या, हर तबका इनसे नाराज है. गुजरात में परिवर्तन की लहर छूट चुकी है और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी का करारा पराजय होने जा रहा है और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी नवसर्जन के साथ नई सरकार बनाने जा रही है. गुजरात को कांग्रेस पार्टी को ढेर सारी बधाई हो.